तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी हम आज जा रहे हैं हम बाजार, मैं और दादी। तो पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, और जैसे कि आप लोगों को सिचुएशन का तो पता ही है कि कैसा चल रहा है। बस आज लॉकडाउन खुल गया है तो हम सोचते हैं घर की एसेंशियल चीज़ें लेके आ जाते हैं, बट थोड़ा बहुत ही व्लॉग कर पाऊंगा बिकॉज जो सिचुएशन बताया, मैं ज़्यादा कैमरा बाहर नहीं निकाल सकता। और मेरा मास्क भूल गया था, मास्क लेने अभी घर में आया था। चलते दोबारा। मैं तो आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे देखना है लॉकडाउन के बाद मार्केट कैसे कैसे खुले हैं सारे। तो लेट्स गो। गाइस, नो रोड्स इन माय विलेज, सो गाइस यहाँ पर ऐसे जाना पड़ता है मेन रोड तक, जो कि उस तरफ को है। वहाँ पर पहले जाना पड़ता है ऐसे करके, फिर वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और फिर जाते हैं हम अपने मेन बाज़ार जो कि है कर्णप्रयाग। ठीक है, हमारे यहाँ के मेन बाज़ार को कर्णप्रयाग बोलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा और है बाज़ार, जो छोटा सा है उसको बगोली कहते हैं। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं जंगल के रास्ते से, और दादी ऑलरेडी पहुँच चुकी है, सो मैं भी जाता हूँ फटाफट। मैं एक्चुअली मास्क नहीं भूल गया था तो फिर दोबारा घर गया था। हम तो पहुँच गए लेकिन गाड़ी वाला तो आया ही नहीं यहाँ पर अभी तक। अब पता नहीं आए रोड पे, हमें वेट कब तक करना पड़ेगा। सो गाइस, हम आए थे बैंक में, हमारा कुछ काम था, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। सो गाइस, बैंक और मार्केट के सारे काम निपटा के हमारी अभी घर जाने की तैयारी थी। सो हम आ गए थे हमारे बस स्टैंड पे, सो यहाँ से ही हमें सारी की सारी हमें कार मिलती है। सो गाइस, ये है बगोली, हमारे यहाँ का छोटा सा लोकल सा मार्केट। यहीं से हम घर की सारी एसेंशियल चीज़ें देख सकते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारा छोटा है, बट यहाँ पर सारी की सारी एसेंशियल थिंग आपको मिल जाती है। सो गाइस, थोड़ा आगे चलने के बाद हमारी गाड़ी हो चुकी थी ख़राब। पता नहीं पहिए में से कुछ टक टक की आवाज़ आ रही थी, जैसी बैंड पे मुड़ रहा था, जैसी कार मुड़ रही थी। बट जो चीज़ हमारे साथ अच्छी थी वो थी यहाँ का व्यू। यहाँ पर काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था, और आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा प्यारा व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो माउंटेन्स, क्लाउड, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। जस्ट हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर को जाना है और व्यू देखो। तो गाइस मज़ा आता है, सो लेट्स गो। बाजार से हम आ गए थे, और बाजार से आने के बाद अभी जस्ट मैं ब्लॉग चालू मतलब कि अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, और 5 बजे आ गए थे हम करीब। और अभी घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट पता नहीं कब से जा रखी है, अभी तक नहीं आई है लाइट। अब देखते कब तक आई, मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है। ठीक है, और यार ब्लॉग भी एडिट करना है, सो देखते कब तक क्या सीन रहता है। और अभी मैं आपको रॉक्सिन दिखाता हूँ। सो ये देखो, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब हम आए थे, तो यार एकदम से आए थे हमारे पर रॉक्स, और ये रे चीन वहाँ पर। सो कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना आपको पक्का दिखाता मैं। सर बने रहो व्लॉग में, आएगा जो भी सुनूंगा बता दूंगा, दिखा दूंगा। सो बने रहो। सर बाल भी कटाए, सो बताने यार कैसा है इस साइड को। सो बाल बोल कटा दिए मैंने, बड़े बाल नहीं रखे क्योंकि अब यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका, बहुत बड़े कर लिए थे मेरे बाल, बट अब मन उप सा गया है। सो अब मीडियम हेयर की तरफ जा रहा हूँ मैं। सर बने रहो व्लॉग में, और आएगा तो जो भी सीन होगा दिखा दूंगा। सो वह शायद लाइट आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार फिर चली गई, अभी पता नहीं क्या हो गया, 2-2 मिनट के लिए आ रही है बस, और फिर चली जा रही है बस। तो अभी बस 2 मिनट के लाई थी जस्ट, और फिर दोबारा भी चली गई है। सर पता नहीं क्या सिस्टम है लाइट का भी, यार जल्दी से आ जाए, मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है। और अगर लाइट नहीं आई तो ब्लॉग एडिट नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा कल। सो बने रहो, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लाइट आ जाएगी शायद। सो हाँ, थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो भी इसके अंदर वेस्ट होगा सारा दूध, जो दूध बचा होगा वो सारा आ जाएगा वापस, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और राइट गाइस, दूध लेके आने के बाद अभी जैसे हमने खाना वाना खाने के बाद तो सोने की तैयारी है, और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप को अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और यार लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों के बाद मार्केट में गए थे। सर बताना, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट थोड़ा बहुत करा।
हाँ, और बताना ज़रूर कैसा लगा व्लॉग। और आपके लिए कुछ खबरी है, कल से मैं प्रॉपर डेली व्लॉग जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल व्लॉग, वो करने वाला हूँ। अपने व्लॉग्स को हल्का सा लेवल अप करने वाला हूँ। बने रहो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।